नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ गाइस कि अगर आपके फोन के ऊपर, फोन के स्क्रीन पर एक व्हाइट वाला जो आ गया है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हो गाइस। आज के इस वीडियो हम यही बताने वाला हूँ गाइस, इसको कैसे हटा सकते हो आप, बहुत ही आसान तरीका से हटा सकते हो। तो गाइस, इस चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच पाए गाइस, क्योंकि इस तरह से वीडियो में लाता ही रहता हूँ गाइस। गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ये देखिए व्हाइट वाला जो है ये स्क्रीन पे आ गया है, स्क्रीन पे, और ये हट नहीं रहा। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, इसको आप जो है कैसे हटा सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है इसको हटाने का। तो गाइस ऑल फोन में ये सेटिंग वर्क करेगा गाइस, हर फोन में वैसे सेटिंग होता है इसको हटाने का। तो गाइस वीडियो में बने रहे, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सेटिंग खोल लेना है गाइस। कोई भी फोन हो, वीवो, ओप्पो, जो भी और फोन में ये जो है ये सेटिंग वर्क करेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं वीवो फोन में बताने वाला हूँ गाइस। तो वीवो फोन का मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग खोल लेना है गाइस। सेटिंग खोलने के बाद गाइस यहाँ पे आपको खोजना है इजी टच, यहाँ नहीं मिलेगा आपको। सिंपली यहाँ क्या करना, सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है गाइस इजी टच। यहाँ आपको लिखना है इजी टच, इजी टच लिखने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इजी टच, सिंपली वहाँ आपको क्लिक कर देना है गाइज। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, यहाँ आपको क्या करना है, इजी टच को ऐसे ऑफ कर देना है, ऐसे यहाँ से ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद गाइज यहाँ पे देखिए जो है वो हट गया, सफ़ेद वाला निशान जो था गोल वाला वो हट गया अपने स्क्रीन पर। इसी तरह आप भी हटा सकते हो गाइज, कितना आसान तरीका है गाइज।